Hello and assalamu alaikum. Welcome back to Rida's Cooking Queen channel. Rida Zaidi ek baar phir aapke liye ek zabardast aur exciting si video ke saath. Aaj main aapke saath ek mazedar si recipe share nahi karungi, balki mazedar si recipe mein use hone wale ingredients like meat, spices aur bahut saari dusri cheeze jis shop se main leti hu. उसका आज विजिट कराऊंगी। जी 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 आप सही समझे, आज मैं आपको अपने सिटी में होने वाले द फेमस हलाल ग्रॉसरी शॉप शाहीन सुपरमार्केट, यहाँ पे हमें इंडिया पाकिस्तान के तमाम मशहूर ब्रांडेड स्पाइसेस इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ ग्रॉसरी किस तरह से करते हैं और किस तरह से हमारी शॉप्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी ग्रॉसरी स्टोर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे अफ़गानिस्तानी, पाकिस्तानी और इंडिया तमाम मुल्कों की ग्रॉसरी शॉप की स्टफ़ आपको मिल जाता है ईज़िली। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे पाकिस्तानी जूसेस आपको अवेलेबल हैं, सारे ब्रांड। ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स रखी हैं, शरबत रूह अफ़ज़ा, ये भी हमें इजीली यहाँ पे अवेलेबल होती है। ये सेक्शन फ्रिज का सेक्शन है, यहाँ पे आपको तमाम ड्रिंक्स मिलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं हर काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंगो के, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, गुआवा, सारे यहाँ पे जूसेस रखे हैं। और ये सेक्शन फ्रोजन पराठे, नान और शीरमाल, समोसे, इसका सेक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ समोसास, सीख कबाब रेडी टू ईट है, आप बस लेके और घर आके आप बेक करके खाएं। मेज़बान ब्रांड है यहाँ पे और अलसफ़ा की ब्रांड, किश देखें शामी कबाब और सीख कबाब, शीश कबाब, एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। सॉसेजेस लाइक चिकन सॉसेजेस, बी सॉसेजेस, सारे काफ़ी वैरायटी है इनके पास फ्रोजन आइटम की। इसी तरह से फेमस ब्रांड रहमत शीरी और यूनाइटेड किंग के तमाम स्वीट्स, तमाम मिठाइयाँ यहाँ पे, तमाम तो नहीं लेकिन काफ़ी मिठाइयाँ यहाँ पे फ्रोजन अवेलेबल हैं। और इस सेक्शन में कुछ क्रॉकरी का भी सामान रखा है इन्होंने, जैसे कि कुकर, हॉट पॉट, सारे जो देसी हैं इस तरह के थर्मस हैं, जो चाय के थर्मस हैं, और काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे सामान उन्होंने ला के रखे हैं। इजीली यहाँ पे ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन टी, कहवा के प्यारे प्यारे खूबसूरत से बड़े फैंसी से कप, ये डेकोरेशन पीसेस, ये सारे बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे हैं।
छोटे से कप्स हैं, ये कहवा के कप्स हैं। कुछ ब्यूटी सोप एंड ऑयल, जैसे कि आप देख रहे हैं आमला और कुछ फेस क्रीम्स, इस तरह की जो पाकिस्तान जो देसी हैं पाकिस्तान और इंडिया की, ये चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये मसालों का सेक्शन है, इसमें तमाम किस्म के मसाले यहाँ पे आसानी से हमें मिल जाते हैं, जो पाकिस्तानी ब्रांड के होते हैं, नेशनल, शान, लजीज़ा और तमाम किस्म के नूडल्स, तमाम फ्लेवर के नूडल्स, पापड़ जो फ्राइड पापड़ होते हैं वो, और चाट मसाला, किनोर के क्यूब्स, ये आप देख रहे हैं, ये सारे हमें तमाम फ्लेवर्स किनोर के नूडल्स के वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, बच्चों के फेवरेट हैं। जजा ब्रांड भी ये नई ब्रांड है, इसकी भी तमाम वैरायटी जो भी है इनकी वो अवेलेबल है, तमाम इनका जो मसालों का ब्रांड है वो अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिरयानी मसाला, तंदूरी, बिहारी कपोटी, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कहीं और से जाके कुछ लें, हमें इजीली मुझे यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ इसी शॉप पर आऊँ और अपने सारे मसाले और जो भी मुझे मीट वगैरह है वो सब कुछ यहाँ से मैं ले लेती हूँ, स्पेशली जो फ्रोज़न आइटम में पराठे और बच्चों के कबाब और इस तरह के, तो बहुत अच्छी शॉप है ये। किस्म की दालें, ऑयल, घी, इवन डालडा घी और ऑलिव ऑयल एंड पैराशूट ऑयल, देखें सारा यहाँ पे हमें बाहर रह के भी हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। इवन देसी ब्रांड की सुपारी, छालिया, ये भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। अरबिक स्वीट्स, बकलावा, और ये कुछ अफ़गानी स्वीट्स हैं, उनके कुकीज़ हैं, इनकी अपनी ब्रांड होती है, ये भी इस तरह से कुकीज़ और ये सब अवेलेबल है यहाँ पे, देखिए कि आप देख रहे हैं इसका भी एक ह्यूज सेक्शन है। ये पैकेजिंग स्नैक्स शाही ब्रांड के, बहुत फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार इनके पास है ये सारी चीज़ें, मैं जब भी आती हूँ तो ये बाय ज़रूर करती हूँ, बहुत मज़ेदार है। और ये शाही कुल्फ़ी सबसे मज़ेदार, 259 का एक है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर हैं, मैंगो, पिस्ताशे, कुल्फ़ा, तो ये जब भी जाते हैं तो ज़रूर हम, मेरी फैमिली हम लोग खाते हैं ये वाली कुल्फ़ी।
केक रस, बाकर खानी, और ये रहमत शीरी की, ये इनका इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ पे, कोकोनट कुकीज़, बहुत मज़ेदार है यहाँ पे ये चीज़ें, बहुत काफ़ी फ्रेश और बहुत मज़ेदार हैं ये सारे। और ये मीट सेक्शन है, काफ़ी सफाई सुथराई का इंतज़ाम होता है इनके पास, हर किस्म का हलाल गोश्त, गोट, लैम, इवन पाए, छोटे के पाए, बड़े के पाए, कलेजी इजीली हमें यहाँ पे मिल जाता है, हमें जिस किस्म का भी चाहिए हो हलाल में तो ये हमें बना के दे देते हैं। इवन वॉल डेकोरेशन के ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं अवेलेबल, से खाने कावे की पिक्चर और इस तरह की। पाकिस्तानी ब्रांड की चाय टपाल और जो दूसरी रेड लेबल सारी यहाँ पे हमें ईज़िली मिल जाती हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं एवरीडे मिल्क। बॉटल्स की चटनियाँ, सॉसेजेस, सॉसेस सारे, अचार, शान की, मिचल्स के और नेशनल के, तमाम वैरायटी हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है इनके पास, काफ़ी ह्यूज ये ग्रॉसरी शॉप है, यहाँ पे एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर इजीली, सी लाइक गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन शान ब्रांड, नेशनल ब्रांड, और तमाम जेली, कस्टर्ड, मीठे, मीठा लाइक हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में, हमें लगता ही नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं सम टाइम के हम मिस करते हैं यहाँ पे, तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू देम शाहीन ग्रॉसरी वालों का कि हमारे लिए वो सारी चीज़ें वहाँ से मंगवा के यहाँ रखते हैं। वन ऑफ इवन माई फेवरेट सेलेंटीज की तमाम फ्लेवर इनके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे तमाम वॉल के जो अल्लाह के नाम होते हैं उनके शो पीसेस, और कारपेट जो अफगानिस्तानी या जो ईरानी कारपेट्स होते हैं, मैट्स इनके पास ये भी हैं यहाँ पे, तो इट्स हम इसको यही कहेंगे कि वन स्टॉप शॉप है ये, आपको एवरीथिंग एक ही जगह पे मिल जाएगी, तो इट्स अ वेरी नाइस शॉप, सो आई ऑलवेज कम टू बाय दी स्टफ फ्रॉम हियर। जी तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट स्टिल इट्स वर्थ इट टू वॉच, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं। सो व्यूअर्स, अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से आप लोग के साथ प्यारी प्यारी वीडियो और अपना सिटी दिखाऊँगी, अपना उसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी देखें कि हमारे सिटी में कैसी और क्या चीज़ें किस तरह से अवेलेबल होती हैं, किस तरह से मिलती हैं। तो व्यूअर्स, इजाज़त चाहने से पहले अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।